दोस्तों गिलोय, इसको हिंदी में गिलोय भी कहते हैं, गुड़ची भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में गिलोय को क्या कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए किस तरह से इसकी डंडी, इसकी स्टेम दिखाई देती है। इसकी दोस्तों स्टेम के भी और साथ में इसके पत्तों के भी इतने बेहतरीन औषधीय गुण हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में बताएं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपको थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी दोस्तों आपके ब्लड के अंदर रहती है, आरबीसी की कमी आपके खून के अंदर रहती है, हीमोग्लोबिन लेवल दोस्तों आपका बहुत कम रहता है, इसके अलावा शारीरिक बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, दुर्बलता आपको रहती है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों गिलोय के हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय के अनुसार आज मैं आपको 7 बहुत ही बेहतरीन फायदे बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो 7 बीमारियां होती है ना, हम सभी के घर में किसी ना किसी को होती ही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ या फिर छोटे बच्चों को भी दोस्तों ये बीमारियां लग जाती हैं। तो चलिए जानते हैं पहली डिजीज में, जिसमें दोस्तों गिलोय बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम आता है। दोस्तों अगर थोड़ा मौसम चेंज होने के कारण आपके घर में आपको या फिर किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो जाता है, दोस्तों गिलोय की ये जो आप डंडी देख रहे हैं ना, ये स्टेम देख रहे हैं वीडियो में स्क्रीन में लाइव, दोस्तों इनको आपको ले करके इस तरह से इतनी इतनी मात्रा में कम से कम आपको 5 से 6 डंडी ले लेनी है। इनको छोटी छोटी टुकड़ों में काट करके, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको अच्छे से पत्थर की खरड़ में लंगरी जिसको कहते हैं, जिसमें माताएं बहनें चटनी बनाती हैं, उसमें कूट लेना है आपको, अच्छे से कूटना है इसको, कम से कम 15 से 20 मिनट तक दरदरा इसको कूटें। कूटने के बाद में दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, जैसे मैं इसको पानी में डाल करके लगभग 100 मिलीलीटर पानी में आपको ये सभी कूटा हुआ गिलोय का लकड़ी आपको डाल करके इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद दोस्तों इसको छान करके, आप ये जो स्क्रीन में पानी देख रहे हैं, इसको दोस्तों सुबह हफ्ते में 3 दिन उससे अधिक सेवन ना करें। पीने से भयंकर दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार पुराने से पुराना ठीक हो जाता है। साथ में दोस्तों आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को, प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में ये मदद करता है, आरबीसी काउंट को भी बढ़ाता है और साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना दोस्तों हमारे शरीर में, खून में, उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बहुत ही भयंकर इम्यूनिटी कमजोर होने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अभी आपको पता है बहुत ही खतरनाक महामारी भी चल रही है, वायरस चल रहा है, जिससे बचना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, अगर आपके प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम है, अगर आपको डेंगू की समस्या रहती है, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके अलावा कोई भी ऐसा बुखार जो कि बैक्टीरियल और वायरल और फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा एन वेदा का इम्यूनिटी बूस्ट। दोस्तों इसके बीच में पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, साथ में दोस्तों प्लेटलेट काउंट को खून के अंदर बढ़ाने में मदद करता है, जो कि डेंगू से, मलेरिया से, चिकनगुनिया के प्रॉब्लम से, अन्य सीजनल चेंजेस होने के कारण जो सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार हो जाता है ना दोस्तों, वो प्लेटलेट की कमी और दोस्तों आरबीसी की, हीमोग्लोबिन की और इम्यूनिटी की कमी के कारण होता है, तो ये पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट इसको बढ़ाने में मदद करता है जो कि इसके बीच में डाला गया है। 100% हर्बल है, नेचुरल है ये प्रोडक्ट, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसके अलावा इसके बीच में बेजल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट भी है और पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि दोस्तों आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाने में मदद करता है। इसके अलावा गिलोय भी इसके बीच में, मेथी का दाना भी है और जो अनार के बीज होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट भी इसके बीच में, और बकरी का दूध दोस्तों उसका पाउडर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि और साथ में बड़े बुजुर्ग लोग बकरी के दूध का इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों इसके बीच में करक्यूमिन भी है जो कि हल्दी के बीच में होता है, जो कि इम्यूनिटी को 2 से 3 गुना बढ़ाने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये अनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट, जो कि 100% नेचुरल है, हर्बल है। दोस्तों इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसकी गोलियां दिन में आप 1 टाइम या 2 टाइम्स ए डे ले सकते हैं, एक एक गोली।
दोस्तों आप इसको लगातार एक महीने तक प्रयोग करेंगे तो कमाल का आप असर देखेंगे। इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, प्लेटलेट्स को बढ़ा देगा आपके ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा। भयंकर से भयंकर डेंगू की समस्या, दोस्तों पुराने से पुराने किसी भी तरह की आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या बार बार होती है तो इससे पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट मंगवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इनकी खुद की वेबसाइट की एनवेदा की लिंक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की भी लिंक दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में अच्छे प्राइस पे मंगवा सकते हैं। 3 से 4 दिन के भीतर आपके घर में एनवेदा का इम्यूनिटी बूस्ट आ जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है गिलोय से रिलेटेड वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।